से प्रार्थना है, कोरोना संक्रमण बढ़कर विकराल रूप धारण करे इसके पहले ही उसको फैलने से रोकना होगा। हम असावधान रहे तो एक बड़े संकट को निमंत्रण देंगे। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गरीब की रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है, कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। मास्क बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है हमारे पास। भीड़ भाड़ से बचिए, अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जिलों के अपने यहां कुछ गाइडलाइन तय की है, विधि निषेध बनाए हैं, कृपया करके उनका पालन कीजिए। हमने प्रभावित जिलों में जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह फैसला किया है कि बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा, वहां ऐसे बड़े मेलों का आयोजन निरस्त किया है। कुछ जिलों में इंदौर जैसे शादी और विवाह की संख्या को भी हाल की क्षमता से आधी किया है। अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से जिलों ने ही फैसले किए हैं। मेरी आपसे अपील है उन फैसलों का सम्मान करें। अभी हम नाइट कर्फ्यू नहीं लगा रहे, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हम उस दिशा में भी जाना होगा। मेरी सरकार की भरपूर कोशिश रहेगी कि हम इस संक्रमण को किसी भी कीमत पर फिर से न फैलने दें, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है। आपके सहयोग के बिना संक्रमण रोकना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में जिस ढंग से फैला हुआ है, हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो बुरहानपुर, खरगोन खंडवा का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा हुआ है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सबको सावधान रहने की जरूरत है। वहां से आने वाले भाई और बहनों की पूरी चेकिंग की जाएगी। मेरी अपील है कि आप यथासंभव महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। और मेरे मजदूर भाई जो पड़ोस के जिलों में सवेरे जाते हैं, रात को वापस आते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, मनरेगा के अंतर्गत आपके जिले में ही आपको काम की व्यवस्था की जाएगी, कृपया इस समय महाराष्ट्र जाने से बचें। मैं फिर एक बार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपसे सहयोग की अपील करता हूं। आपके सहयोग से पहले भी हमने कोरोना को विकराल रूप धरने से रोका है, घनघोर संकट में नियंत्रित किया है, और आपके सहयोग से ही अब फिर हम कोरोना को ही रोक देंगे। फिर एक बार करूं, खतरा टाला नहीं, अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम काफी हद तक रोक पाए।
और अब तो 60 साल से ऊपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिक बहनों और भाइयों को टीका लगने वाला है। 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित भाइयों और बहनों को भी टीका लगेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, सावधानी रखिए, पर आपके जिले में कोरोना की बनाई गई हर गाइडलाइन का पालन कीजिए। आइए हम मिलकर संकल्प करें, फिर कोरोना को मारेंगे। कोरोना हारेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। कोरोना हारेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया है। सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों को अलर्ट किया है, साथ ही साथ जो मजदूरों के लिए काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं उनसे भी सीएम ने ये अपील की है कि अभी मध्य प्रदेश में ही रहें। खासकर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र को लेकर कहा है कि अभी जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र ना जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का जो संक्रमण है अभी तेजी से फैल रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के जो मजदूर हैं काम की तलाश में बाहर जाते हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो अपने जिले में ही रहें और जिले में ही मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार चलती रहे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश प्रदेशवासियों को दिया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे लड़ना अभी जरूरी है और मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन जो है उसका भी पूरी तरह से अपने आप को सैनिटाइज करना है। और इसलिए प्रदेशवासियों से एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर अपील कर रहे हैं।